Good morning, students. This is class 5, and after a long time, I am with you in your favorite English at his channel. And today, I am going to discuss with you over the lesson. This is lesson 4 English workbook. I became a man of class 5. Oxford University प्रेस न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट बुक ओके स्टूडेंट्स बहुत दिनों के बाद काफ़ी फेस्टिवल्स के एक लगातार सीजन्स चल रहा था ये सीज़न अब पार हो चुका है अब हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करेंगे बहुत सारे स्कूल्स अभी खुले नहीं हैं और जूनियर क्लासेस में भी स्कूल बहुत सारे स्कूल बंद है स्टूडेंट्स आई होप दैट यू आर सेफ इन योर होम एंड

व्हाट और व्र से किस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे इसमें आंसर्स सबको दिया हुआ है और क्वेश्चन सबको बनाना है जैसे कि अक्सर आप पूछते हो ना व्हाट इज़ योर नेम वेट आर यू गोइंग व्हाट डू यू डू तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसमें कुछ हम लोग पूछते हैं इन सच सेंटेंसेस वी आस्क समथिंग ओके

और आपको ख्याल रखना है सेंटेंस का एंड में जैसे कि इंटरगेटिव मार्क यहाँ दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन मार्क लेकिन आपको लगाना भी है ठीक है देन द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फ्लाई नेक्स्ट दे फ्लाई दे फ्ल्यू सॉरी दे फ्ल्यू काइट्स इन द गार्डन व्हाट डिड दे फ्लाई काइट्स मतलब आपको देखना है वट अगर लगाना है वट से हम क्वेश्चन बनाएंगे वट से अगर इंटरगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमें क्या करना होगा ऑब्जेक्ट को हटाना होगा जैसे कि द चिल्ड्रेन फ्लू काइट्स बच्चे पतंग उड़ा रहे थे क्या उड़ा रहे थे पतंग काइट्स तो काइट्स को हटा दिए हमने क्या लिखा वट डिड द चिल्ड्रेन फ्लाई नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ट से शुरू कर रहे हैं मतलब कहाँ व्ट डिड द फ्लाई काइट्स मतलब इसमें हम लोग इन द गड एंड इस फ्रेज को हटा दिए तो इसको ख्याल रखना है वर्ड से जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और व्र से जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे तब प्लेस को हटा देंगे ठीक है लाइक दैट वे देर इज द एंसर थर्ड वेर वेर द बेबी बर्ड्स ठीक है आंसर्स आपके पास अवेलेबल है दैट इज़ द क्वेश्चन नेक्स्ट फोर वट डिड देयर मदर ब्रिंग फॉर देम नेक्स्ट फाइव वट डिड दे डू देन ठीक है ऐसे एस स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि हम ओरली आपको आंसर्स बता रहे हैं अगर लिख नहीं पाते हो तो इसको पॉज करके लिख सकते हो आइदर यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विड द आंसर्स इन द डिस्क्रिप्सन बॉक्स ओके स्टूडेंट्स नाउ बट यू विल ट्राई टू डू योर सेल्फ आपको कोशिश करना है पहले अपने से करने के लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्कबुक बहुत ही अच्छा है काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस हैं हर लेसन में बहुत सारे एक्सरसाइजेस है नाउ बी फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वाट और व्र वाट और व्र व्र मीन्स कहाँ सेम वर्ड और वाट मीन्स क्या ठीक है इसमें एक्सरसाइज बी देखो जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर फर्स्ट यू सी दैट वेयर इज द ऑल फ्यर इज द ऑल देखो आंसर ए में है इट्स इन द ट्री मीन्स दैट ए मीन्स आंसर एंड क्यू मीन्स क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको वेयर एंड व्हाट का यूज करना है वन देयर विल बी वेयर नाउ टू दैट इज व्हाट ट इज इट डूंग इट इज हुटिंग औ का आवाज को हुटकाता है नंबर थर्ड वेर इज द डॉक नेक्स्ट फोर वट इज इट डूंग ठीक है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो गया और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड नाउ सी अस्क द एंसर्स एंसर क्वेश्चन ओके सेम वे ट्रेवलर और अली बाबा ये अली बाबा का नाम सुन के आप बहुत हंसते होंगे ट्रेवलर और अली बाबा दोनों में बातचीत हो रहा है दैट इज़ द ऑनली कॉन्वर्सेसन सपोज द ट्रेवलर इज़ आस्किंग वाट इज़ येम अली बाबा माई नेम इज़ अली बाबा ओके ए स्टूडेंट्स आपको अपने से करना है आप कोशिश करो सोचो यू थिंक एट फर्स्ट दैट हुई वर्ड्स विल बी यूज देअर And which words are comfortable there? Which words are most suitable? ठीक है Number टू what are you? मतलब आप क्या करते हो What are you means that? अली बाबा आई एम उड कैटेड थर्ड ट्रेवलर व्ट डू यू लीव कहाँ रहते हो अली बाबा आई लिव नॉट फार फ्रॉम द फॉरेस्ट ठीक है तो दैट इज द थिंग नाओ द नेक्स्ट पेज दैट इज वर्ड्स इन एक्शन ये हर लेसन में आपको वर्ड्स इन एक्शन और ग्रामर इन यूज ये सभी दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा है ताकि आप इसको अगर ये सभी एक्सरसाइजेस को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ग्रामर का बेस बहुत अच्छा मजबूत होगा नाओ वर्ड्स इन एक्शन यू सी दैट दैट इज द एंसरकिल दर्ड वर्ड्स इन ईच रो हर कोई हर रो में एक वर्ड ऐसा है जो दूसरे से मिलता जुलता नहीं है देर आर फोर वर्ड्स इन ईच रो नाउ सी दैट नंबर वन देखो बार्बर टेलर वुड कटर यह सभी प्रोफेशन है कोई जो काम करते हैं उनके उनको हम लोग कहते हैं कोई कारपेंटर है कोई टीचर है ओके लाइक दैट वे बट फ्रेंड इज सेपरेट फ्रेंड बिल्कुल इससे मिलता जुलता नहीं है सो यू सर्कल फ्रेंड फ्रेंड को आपको सर्कल कर देना है ठीक है नेक्स्ट रो नंबर टू यू सी दैट वूड वुड इज़ डिफरेंट वर्ड बिल्कुल अलग है सिल्वर ब्रोंज गोल्ड यह सभी मेटल है इससे मिलता जुलता नहीं है वुड ठीक है नेक्स्ट थर्ड कट ट्रिम शेब ये सभी कोई ना कोई जगह में ये मतलब काटने के बारे में कहता है जैसे कि नेल को आप ट्रिम करते हो ठीक है लेकिन डंकी बिल्कुल अलग है नेक्स्ट कॉइन मनी बैंक ये सभी रुपया पैसा के बारे में कहा जा रहा है और सेडल दैट इज डिफरेंट ओके सेडल को आपको सर्कल करना है नाउ बी एक्सरसाइज बी दैट इज द कलेक्टिव नाउन ए लॉट ऑफ मनी ए हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर ओके पाइल ऑफ क्लॉथ्स बंडल ऑफ वुड नाउ अब इस कलेक्टिव नाउन्स को आपको यूज करना है एक्सरसाइज सी में द ब्लैंक्स में देखो नंबर वन लेट्स रिमूव दिस हिप ऑफ सैंड दैट द बिल्डर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नेचर ऑफ द सेंटेंस को पढ़ते हुए आपको कलेक्टिव नाउन को यूज करना है जो बी में है ठीक है नंबर टू में क्या होगा ए लॉट ऑफ मनी थर्ड ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स देख रहे हो वाशरमैन है कपड़ा ले जा रहे हैं नंबर फोर ए बंडल ऑफ वुड ठीक है नाउ डी दैट इज द रीड दीज ये आपको पढ़ना है और अच्छे से लिखना है ठीक है ई रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड सेम वे आप देखोगे किस तरह से ए का यूज हुआ है नाउ एफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एफ ओके पेज नंबर थर्टी सेवन दट इज एक्सरसाइज एफ इंग्लिश Workbook New न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट University यूनिवर्सिटी प्रेस क्लास फाइव एफ एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप हिंदी न्यूज़ पेपर में भी देखते होंगे जो कुछ हेडलाइंस होता है और ये जो हेडलाइंस होता है ये न्यूज़ का हेडलाइंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है बहुत चार्मिंग होता है मतलब लोग इसको देख कर ही लगता है ना जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब में भी देखते होंगे गजब सा टाइटल रहता है लोग सोचते हैं जरूर इसमें कुछ होगा उसमें कुछ होगा रहस्यमय गुफा बहुत सारे चीज़ ऐसे आपको देखते होंगे लोग उसको देखने लगते हैं लेकिन जब यूट्यूब उस चैनल को खोलते हैं तब तो कुछ नहीं मिलता है तो ऐसा होता है तो ये हेडलाइन देना टाइटल देना ये एक बहुत ही मतलब एक तरह से कहो जो बिजनेस पर्पस में दिया जाता है कमर्शियल पर्पस में लोगों को इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें हो तो ऐसा ही न्यूज़ हेडलाइंस इसमें दिया हुआ है देयर आर थ्री न्यूज़ हेडलाइंस और ए न्यूज़ हेडलाइंस का नेक्स्ट पेज में न्यूज़ है मतलब आप पेपर में देखे होंगे एक न्यूज़ के ऊपर में हेडलाइंस होता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ आपको हेडलाइंस को सेट करना है जैसे क्या एफ अमीना रिस्टोर्ड टू पेरेंट्स अमीना को अपना पेरेंट्स के पास लौटा दिया गया है कहीं से उनको तो वो मिसिंग हो हुई होगी और उसके बाद उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और पेरेंट्स को हैंड ओवर किया गया ये तो आपको समझ में आया अब देखो नेक्स्ट पेज में इसका न्यूज़ है अब देखना होगा आपको जिस ए न्यूज़ कहाँ है देखो सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर न्यू डेली मार्च ट्वेल्व द डेली हाईकोर्ट टूडे फाइनली ऑर्डर्ड दैट अमीना बी restored टू हर पेरेंट्स इन हैदराबाद तो इस तरह से ये आपको भी करना है ये बहुत आसान है मुझे लगता है जो हेडलाइंस आप पढ़ोगे तो न्यूज़ आपको आसानी से मिल जाएगा ये आपने से करना है कुछ कुछ काम आपने से भी करना चाहिए सभी अगर हम यूट्यूब में बता दें तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैं आपको आंसर्स ज़रूर डिस्क्रिप्सन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट पेज दैर इज द राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द उड कटर्स डॉन्की ये वुड के बारे में नहीं है वुड के डोंकी के बारे में है ये बहुत मज़ेदार है इसमें स्टोरी राइटिंग करना है और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको वर्ड इसमें फिल करना है सपोज दैट नंबर वन आई एम जस्ट टेलिंग देखो आई जाहिर सी बात है आई डैश डैश वुड डोंकी तो क्या होना चाहिए आई एम ए टर्स डंकी ठीक है आई हैव ए लॉट ऑफ लॉट ऑफ क्या है अब डंकी के पीठ में क्या होना चाहिए लॉट ऑफ आई हैव ए लॉट ऑफ क्या होना चाहिए सोचो आप सोचो यू जस्ट थिंक एट फर्स्ट एंड देन यू लाइट तो आपको इसमें भी आपने को सोचना है मैं तुरंत आपको आंसर प्रोवाइड करने नहीं जा रहा हूँ आप पहले सोच लो एंड यू ट्राई एट फर्स्ट एंड ट्राई टू राइट इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स द वर्ड्स देन यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल प्रोवाइड द आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके नेक्स्ट बी सेम वे दैट इज़ द स्टोरी राइटिंग अबाउट ट्रैवलिंग यू आर ट्रेवलिंग बाई बस फ्रॉम डेली टू आगरा ठीक है और आपके साथ क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है दैट इज़ द लेसन स्टूडेंट्स एंड अगेन विल मेट एंड इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू विल डाइट इन द कॉमेंट बॉक्स ओके गुड बाय स्टूडेंट्स